व्हाट्स अप पीपल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे सामने है टीवीएस की रोनी। तो अभी मुझे ये बाइक को परचेज किए हुए हो चुका है लगभग 7 दिन, और मैं आपको दिखा दूँ अभी 7 दिनों में मैं बस अराउंड 200 किलोमीटर से चला पाया हूँ बाइक को। बट ये एक इनिशियल इम्प्रेशन वाली वीडियो रहने वाली है बाइक के बारे में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है मैंने अभी तक 200 किलोमीटर चलाया है बाइक को। तो बाइक के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ थोड़ी यू नो डिसअपॉइंटिंग बातें भी है, बट चलो देखते हैं। तो बाइक की जो लुक है आप देख लो, बाइक मतलब ये जो सेगमेंट है ना ये 2 लाख के अंदर एक बहुत ही बढ़िया लुक देती है। स्पेशली जो फ्रंट की जो गोल्डन कलर की जो ये USD सस्पेंशन है बाइक के, ये सस्पेंशन मतलब आप जैसे भी बाइक को लेके निकलोगे ना, जो भी लोग देख रहे उनको एक बहुत ही मतलब ये आई कैची सा है, लोगों को एक इम्प्रेशन देती है कि यार ये सच में कोई बहुत बड़ी बाइक जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि इस बजट के अराउंड ये सबसे बेस्ट बाइक होगी अगर आप एक क्रूजर की तरफ अट्रैक्टेड हो तो। ठीक है, जो लोग भी 2 लाख के नीचे या 2 लाख के आसपास ढूंढ रहे हैं, आई नो कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पे तो 100-350 भी, बट यार अगर आप 100-350 को देखोगे तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है और उसकी प्रैक्टिकलिटी TVS रोनिन से थोड़ा सा अलग है। खैर वो हम कई और वीडियो में देखेंगे कि लाइक यार TVS रोनिन क्यों बेटर हो सकता है या फिर हंटर क्यों बेटर है, बट इसमें मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो इसमें एक्सपीरियंस आता है ना बाइक को चलाने में, या फिर जो बाइक की लुक है, जो प्रेजेंस है यार, वो काफ़ी अलग सा है। एक बड़ी बाइक वाली फीलिंग आपको ज़रूर देती है ये बाइक। जो ये बड़ी बाइक वाली फील है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करती है इसकी जो ये एग्जॉस्ट है। यार इसकी एग्जॉस्ट जो है ना काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट में, एकदम एक प्रॉपर सा थम्पी बेसी सा साउंड देता है और मज़ा आ जाता है बस इसको सुनते ही। ये जो मेरा मॉडल है ये रोनिन का बेस प्लस मॉडल है। सो बेसिकली देखो यार ये बेस, ये जो भी मॉडल्स है रोनिन के उसको लेकर थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन सा है मुझे, क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे चेक कर लोगे, ऑनलाइन देखोगे तो वहाँ पे 3 ही मॉडल्स आपको दिखेंगे, बेस, मिड एंड टॉप वेरिएंट। बट जैसे हम शोरूम या डीलरशिप से चेक करते हैं ना तो वहाँ पे आपको बेस, बेस प्लस और भी बहुत सारे मॉडल्स वो लोग बताते हैं। तो ये जो ड्यूअल ट्विन जो ये वेरिएंट है ये बेसिकली बेस प्लस मॉडल है मेरा। तो जैसे कि देख सकते हो बेस मॉडल में कौन सा आपकी जो ब्लैक कलर की रोनिन आती है या फिर अभी जो नया आया है रेड कलर का, यार काफ़ी प्यारा दिखता है, बट उसमें वही एक चीज़ है कि यार वो यू नो मोनोटोन रहता है। तो इसमें ये जो गोल्डन USD फोक्स है ये काफ़ी स्टैंड आउट करती है और एक अच्छा फील देती है बाइक को। बाकी इसके जो बाकी वेरियंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से यार जो इसका बेस प्लस मॉडल है या फिर मिड मॉडल है वो ज़्यादा सेंस करती है, क्योंकि जो इसका टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा ये रेयर जो ब्रेक है उसके ऊपर, वहाँ पे आपको ABS मिल जाएगा और सामने जो है आपको असिस्टेड स्लीपर क्लच मिलती है उसमें भी आपको मिल जाएगा, बट उसमें एडजस्टेबल लीवर्स मिलता है जो कि इसमें मिसिंग है। तो बेसिकली बस यही मोटा मोटा सा डिफरेंस है, बट प्राइस गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से यार जो इसका बेस प्लस मॉडल है वो ज़्यादा सेंस करती थी मुझे, और ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया करके मैंने ये वाली मॉडल परचेज की है। आप बाकी मॉडल्स भी देख सकते हो। बाइक की जो इनिशियल टॉर्क है ना काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप 0 to 60 अगर बाइक को पुल करोगे ना बाइक बहुत बढ़िया आती है यार, मतलब 70 तक भी बहुत अच्छा चल जाती है। आप जैसे थ्रॉटल खोलोगे बाइक भागने लगती है, बट उसके बाद ना ये धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है और आप इसको ना मैक्सिमम आई थिंक 100-110, जैसे कि मैं बाकी वीडियोज़ में भी देख सकता हूँ कि लाइक सभी ने मेंशन किया, तो मेरे हिसाब से यार 80-85 मतलब ये जो स्पीड है ना इसकी कम्फर्टेबल स्पीड है, यहाँ तक आपको मज़ा आएगा चलाने में। उसके बाद आपको ना मतलब ऐसा लगेगा कि यार पावर जो है वो फेड आउट हो रही है और आपको वो जो थ्रिल है ना वो एड्रेनलिन जो रश है वो नहीं मिलेगा आपको इसमें। बाइक में जो आपको ना 14 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाती है, तो फ्यूल इसकी जो फ्यूल टैंक है 14 लीटर की है और रेंज भी काफ़ी अच्छी मिलती है। मैंने अभी तक बाइक को मतलब काफ़ी जगह पे चला चुका हूँ, मैंने इसे प्लेन जो टर्मैक रोड है वहाँ पे भी ट्राई किया है, मैंने इसको ऑफ रोडिंग थोड़े बहुत पैचेस में भी ले गया हूँ, मैंने माउंटेन जो स्टिप क्लाइंबिंग से वहाँ पे भी ले गया है मैंने बाइक को। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इशू दिखा नहीं इसके माइलेज के साथ, बाइक अच्छी माइलेज ऑफर करती है। तो अब बात करते हैं कुछ इश्यूज़ के बारे में। देखो आपको रोनिन के बहुत सारे रिव्यू वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इन डेप्थ टेक्निकली काफ़ी अच्छे नॉलेजेस दिए गए हैं, तो मैं आपको बस ना एक एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊंगा ये वीडियो में, मैं आपको इसमें ज़्यादा टेक्निकल कुछ शेयर नहीं करूँगा। इसमें ना अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को बाइक के साथ। एक चीज़ आई है हालाँकि,
जिसने आई थिंक पूरे यूट्यूब में किसी ने इसको कवर नहीं कर रखा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये साइड के पैनल्स, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था मेरी रोनिन के साथ, मतलब डिलीवरी लेते हुए अगले दिन ही मैंने नोटिस किया कि ये जो पैनल्स है उसमें से जो राइट वाला पैनल था मेरा, वो पैनल काफ़ी लूज था, मतलब वो बज रहा था, लिटरली बज रहा था नई बाइक की। तो जैसे मैंने चेक किया उसको सर्विस सेंटर के साथ, तो मुझे पता चला कि यार ये जो पैनल है ठीक है, तो ये पूरा जो है ये मेटल है, और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये आपको प्लास्टिक की मिल जाएंगी। तो ये मेटल और ये प्लास्टिक जो है ये कनेक्ट होता है एक पतली सी प्लास्टिक की जो है क्लिप जैसा है उससे। तो यार मेरे हिसाब से यार वहाँ पे उन्होंने ना थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है, आपको मतलब थोड़ा सा स्टडी कुछ देना चाहिए था, कुछ मेटल का अगर उन्होंने कुछ बोल्ट्स वगैरह दिए होते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बाइक लेते हुए अगले दिन ही यार ये पैनल का लूज़ गिर जाना, फिर मुझे इसको मतलब आप सोच सकते हो यार मुझे इसे लिटरली बुशेस के साथ सेट करवाना पड़ा, नहीं तो ये पैनल बज रहा था, मतलब लूज़ होके बाहर आ गया था। तो अभी तक तो मुझे यही एक प्रॉब्लम नोटिस हुआ है इस बाइक में, बाकी तो यार बाइक चलाने में काफ़ी बढ़िया है और अभी तक इसको राइड करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे मैं आपको लाइक इसकी एवरेज वगैरह क्या रहने वाली है, मतलब नॉर्मल रोड हो गया, फिर हिल में जो इंक्लिनेशन पास आती है वहाँ पे, ऑफ रोड में कैसी बाइक परफॉर्म करती है, सब के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बने रहो, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।